हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं लगातार आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का लगातार डेली बेसिस पे टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, और जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है ना? क्योंकि जब कोई एक एग्ज़ाम से हट करके दूसरे एग्ज़ाम की मैं तैयारी स्टार्ट या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाता हूँ तो काफ़ी समय लग जाता है आप लोगों को विश्वास करने में कि एक्चुअल में मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीरीज जो है ये बंद कर दूंगा, है ना? क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और केवल 400-500 लोग ही वीडियो देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो लगभग 385,000 लोगों का परिवार है, और उसके बाद अगर इतने व्यूज़ देखने को मिले तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मोटिवेट करने का तरीका यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दूसरा ऑप्शन मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजारों को लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो पता ही चल जाएगा यहाँ से, ये उपकरण जो है वो आकार में छोटे होते थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सिजदा और एवं पाबोस पद्धति एवं नौरोज त्यौहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बलबन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नौरोज जो है वो एक त्यौहार था, और सिजदा और पावोस, सिजदा से आशय होता है कि भूमि पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना, और पावोस का आदेश होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना, और नेरोजी फारसी नववर्ष था। ठीक है, तो सिजदा और पावोस क्या है वो बता दिया, और नेरोजी एक फारसी पर्व था। ठीक है, नववर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हैदर अली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1942 में भारत में कृष्ण मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? वर्ष 1940 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? तो सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ये सी राज गोपालाचारी ने बनाया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त तो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भूगोल के पांच क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? लगभग 17.5%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च कटिबंधीय सतावार वन से ढका हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? कनाडा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच क्वेश्चंस देखो कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? राज और व्यक्ति दोनों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विनिवेश का अर्थ क्या है? विनिवेश का अर्थ है कि उद्यमों में सरकारी भागीदारी
घटाना पहला ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? कृषि से आय प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो यह मूल अधिकारों को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 352 है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे किसे प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन करेक्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लौह उल्का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अल्बर्ट सावन को फिलिंदा ब्लैंक्स विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोलियो का टीका, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। किसको? एल्बर्ट सावन को पोलियो के टीके के विकसित करने के लिए जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आपतित किरण आपतन बिंदु पर फिलिंदा ब्लैंक्स और परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा फिलिंदा ब्लैंक्स की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सामान्य हिंदी के देख लीजिए आप, पांच क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ लिखा, हमने सामने बैठे, गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्याज्ञा में आपको बताना है कौन सी संधि होगी, पितृ प्लस आज्ञा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अहंकार शब्द के लिए सही सब पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, अहंकार शब्द के लिए। अभिमान, दंभ और दर्प, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उदय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का, तो उदय का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अस्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है अस्पृश्यता किस प्रकार से लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रेमी पुरस्कार निम्नलिखित में से असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है, किसकी? तो सही आंसर हो जाएगा संगीत, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, माइकल फ्लेप्स, ये तैराकी मतलब तैराक स्विमिंग करते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले भी हैं, अमेरिका के हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 65, लगभग इसमें 65 भी हैं लेकिन ये हैं लगभग 55 के आसपास है ना क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम
यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।